हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो इन टूडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी फेमस थ्योरी फ्रॉम पर्सनालिटी एंड दैट इज कॉल्ड साइको एनलिटिकल थ्योरी अब साइको एनलिटिकल थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है अगर आप Uh, वो भी पढ़ रहे हैं या आपके कहीं भी सिलेबस में मैनेजमेंट आता है या उसमें पर्सनालिटी आती है तो आप इस थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकते मेरे पास इसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी एंड बिकॉज ऑफ दिस टुडे वी आर गोइंग टू कवर साइको एनलिटिकल थ्योरी इन डिटेल सो लेट बिगिन सो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन ऑफ दिस थ्योरी फर्स्ट द थ्योरी वॉज प्रपोज बाय सिगमेंट फ्रूट तो सिगमेंट फ्रूट जो कि बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था एंड

टीचर्स को यह बात पता है स्कूल को भी ये बात पता है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो पहले 5 सालों में बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं फ्रीव पर्सनैलिटी थ्योरी कैन बी कंसेप्चुलाइज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनलिटी टोपोग्राफी ऑफ द माइंड एंड स्टेजेस ऑफ द पर्सनलिटी डेवलपमेंट अब उन्होंने जो ये पूरी थ्योरी दी है उसको आप पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी देख सकते हैं आप इसको के के सकते हैं। time, आप इसको 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 माइंड के 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 फॉर्मेट्स में में भी भी देख देख सकते सकते हैं, हैं, हैं एट द सेम टाइम पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टेजेस की तरह तरह तीनों व्यू से देखा जा सकता है, तो अब इसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। so,

चाहे ईगो हो चाहे सुपर ईगो हो इन तीनों चीजों के अपने कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और यूनिक फीचर्स हैं बट वेन दे इंटरदर बट वेन दे इंटरदर मतलब इड हो गया ईगो हो गया सुपर ईगो हो गया जब ये इनका इंटरक्शन होता है तो उससे जाकर किसी भी पर्सन का इंडिविजुअल बिहेवियर डिफाइन होता है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन तीनों चीजों के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे प्लस एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज इनका इंटरैक्शन क्या है वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट और समझ में आ गया कि ये जो ये जो बेसिकली तीनों जो स्टेजेस हैं इड इगो सुपर इगो है ये सिस्टम्स की तरह काम करते हैं दीज आर नॉट समथिंग विच इज पार्ट ऑफ ब्रेन ये ब्रेन का पार्ट भी नहीं है और ना ही ये किसी भी तरीका से फिजिकल है ठीक है इट इज मोर इनहेरिटेड मोर इन लाइक अ प्रोसेस

ठीक है उसमें कोई बहुत ज्यादा हम कुछ सोच नहीं रहे बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में वरी नहीं कर रहे तो कोई भी चीज जो बहुत इंस्टिंक्टिव होती है वो इड होती है सो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इनहेरिटेड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पर्सनालिटी प्रेजेंट एट बर्थ तो बेसिकली जब वी आर बोर्न वेन वी आर बोर्न देर आर सर्टेन थिंग्स जो बायोलॉजिकली हमें मिलते हैं और इनहेरिट करते हैं हम अपने पेरेंट्स से भी फ्रॉम जीन्स तो वो चीजें हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट हो जाते हैं वो इड का पार्ट हो जाते हैं बेसिकली द इड इज इंपल्सिव

पसंद करता है फॉर एग्जाम्पल ही लाइक अ पर्टिकुलर चॉकलेट तो उस चॉकलेट को देखते ही वो इमिडिएटली रिस्पॉन्ड करता है वो अपनी विश को जाहिर करता है ये नहीं सोचता कि उसके पेरेंट्स के पास पैसे हैं या नहीं है या उसे अभी वो चॉकलेट खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए इन सारी चीजों के बारे में वो नहीं सोचता वो इंपल्सिवली उस चीज के बारे में सोचता है कि मुझे वो चॉकलेट चाहिए तो चाहिए दैट इज वाई इट्स अ बेसिक अर्ज एक अर्ज आ जाती है एक नीड आ जाती है एक डिजायर हो जाता है एक बार जब वो चीज हो जाती है तो हम इंपल्सिवली उस चीज की और बढ़ते हैं तो इड जो है बहुत इंपल्सिव है द पर्सनालिटी ऑफ अ न्यू बोर्न चाइल्ड इज ऑल इड जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि एक नए जो बच्चा छोटा होता है तो वो उसकी जो उसका जो पूरी पर्सनालिटी होती है वो पूरी इड से भरी हुई होती है और लेटर उसी में आगे चलकर के ईगो और सुपर ईगो डेवलप होता है तो छोटे बच्चों में आपको इड देखने को मिलेगा क्योंकि छोटे बच्चे किसी भी चीज से कंसिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते उनका कोई भी डिसीजन रैशनल नहीं होता वो बस इैशनल डिसीजन लेते हैं इंपल्सिवली आके वो डिसीजन लेते हैं अब इसके फीचर्स क्या होते हैं इड के फीचर्स के बारे में बात करते हैं द इनफर्टाइल इन इट्स फंक्शन थ्रू आउट अ पर्सन लाइफ एंड डज नॉट चेंज विथ टाइम और एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे एक और क्या बन जाता है कि इट जो है वो हमारे लाइफ में हमेशा रहता है ठीक है और वो टाइम और एक्सपीरियंस के साथ नहीं बदलता कंट्रोल हो सकता है इट जो है वो सुपर ईगो ego और ईगो को सुपर पावर कर रहा है ये सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन इट हमारे अंदर होता है और कहीं ना कहीं टाइम और एक्सपीरियंस के साथ के नहीं बदलता एज इट इज नॉट इन टच विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड सबसे बड़ी बात है कि इट जो होता है वो कभी भी एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंफ्लुएंस्ड नहीं होता एंड दैट इज द रीजन वाई इट हमेशा जो है वो हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है और टाइम और एक्सपीरियंस का उसमें कोई असर उस पर नहीं पड़ता इट इज नॉट इफेक्टेड बाय रियलिटी लॉजिक और एवरीडे वर्ल्ड एज इट ऑपरेट्स विद इन द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था दैट इट जो है वो अनकॉन्शियस पार्ट है अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है दैट इज द रीजन वाई रियालिटी लॉजिक रेशनैलिटी एवरी डे वर्ल्ड टूडे में लोग क्या सोचते हैं इन चीजों से उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता वेन द इट इट्स डिमांड वी एक्सपीरियंस अ प्लेजर एक्सपीरियंसर वेर इट इज डिनाइड वी एक्सपीरियंस और टेंशन तो इट बहुत ही सिंपल है जैसे आप छोटे बच्चे का अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अगर कोई बच्चा किसी चीज के लिए रो रहा है अगर हम वो चीज उसको दे देते हैं तो ही स्टार्ट स्माइलिंग एट द सेम टाइम अगर आप उसको वो चीज नहीं देते तो वो रोने लग जाता है और अपने डिस को शो कर सो दिस इज ऑल अबाउट इट अब इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं द इट ऑपरेट्स ऑन द प्लेज प्रिंसिपल जैसा मैंने आपको जस्ट बताया इट जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है कभी भी के बारे में नहीं इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज जो मुझे लेने का मन कर रहा है मेरी विश है मेरी डिमांड है, है तो मैं उसको इमीडिएटली सैटिस्फाई करना चाहता हूं एट एनी कॉस्ट उसके लिए कोई कंसिक्वेंस के बारे में मैं नहीं सोचूंगा जो मुझे लगता है कि यह चीज प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है मुझे यह चीज चाहिए एक्स चीज को अगर लेने से प्लेजर मिलता है तो मैं प्लेजर लेना चाहता हूं दट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट नेक्स्ट फीचर इज दैट इट इंगेजेस इन प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग विच इज प्रिमेटिव इनलॉजिकल इेशनल फिंटेस अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट प्राइमरी है प्राइमरी प्रोसेस है प्राइमरी प्रोसेस का मतलब क्या प्रिवेटिव है पहले आपको डेफिनेशन में मैंने बताया था इलॉजिकल है कोई लॉजिक नहीं चाहिए कोई कंसिक्वेंशियल नहीं है पे बिलीव करता है कंप्लीटली सो दिस इज ऑल अबाउट इड समझ में आ गया एक छोटे बच्चे को आप देख लीजिए आप छोटे बच्चे को जब देखेंगे तो आपको इड उसके अंदर साफ नजर आएगी जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है इड जो है वो ईगो इग, ईगो और सुपर ईगो और सुपर ईगो उसको कहीं ना कहीं ओवर पावर कर लेट्स टॉक अबाउट ईगो नाउ सो ईगो इज द पार्ट ऑफ इट which हैज बीन मॉडिफाइड by द डायरेक्ट influence ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड अब जैसे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं देन what happens वी कम इन contact with एक्सटर्नल वर्ल्ड हम अपने friends से मिलते हैं स्कूल जाते हैं पेरेंट्स को देखते हैं काफी सारी चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है इट जो है वो धीरे धीरे मॉडिफाई होने लग जाता है खत्म नहीं होता इड मैंने आपको पहले भी कहा था इड कभी खत्म नहीं होता वो मॉडिफाई हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंफ्लुएंस एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं रियल है एंड दैट इज द रीजन वाई हर डिमांड हमारी पूरी नहीं हो सकती हर विश हमारी पूरी नहीं हो सकती और इसी वजह से ईगो जो है वो बैलेंस क्रिएट कर देता है इस चीज के ऊपर की जो इड है वो अनरियलिस्टिक है और वो हमें जो ईगो होता है वो हमें ये एहसास करा देता है दैट एवरी दैट वी आर लिविंग इन अ रियल वर्ल्ड वेयर योर एवरी विश कांट बी फुलफिल्ड नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ द पर्सनालिटी पर्सनालिटी का एक डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट जो होता है वो ईगो होता है कोई भी चीज हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उसमें ईगो बहुत डोमिनेंट हो जाता है उस चीज को डिसाइड करते समय लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग आइडियली द आइडियलीगो वर्क्स बाय रीजन वेयर एज द इड इज क्रोटिक एंड अनरीजनेबल अब जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि इट जो था वो इलॉजिकल था उसमें कोई रीजनिंग नहीं थी बट ईगो जो है वो कंप्लीटली रीजनिंग पे काम करता है और वो बिल्कुल अपोजिट है एज कंपेयर टू इड इड में हम हमेशा इंपल्सिव हो जाते थे हम कभी भी बहुत लॉजिकल नहीं होते थे अगर हमें कोई डिमांड लगती थी तो हम उस चीज को अचीव करना चाहते थे बट ऐसा ईगो के साथ नहीं है ईगो कहीं ना कहीं उस चीज को कंट्रोल कर लेता है द ईगो कंसिडर्स सोशल रियालिटीज एंड नॉर्म्स एटिकेट्स एंड रूल्स इन डिसाइडिंग हाउ टू बिहेव और जो ईगो है वो एक्चुअली हमें ये बताता है कि रूल्स क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, क्या एटिकेट्स हैं क्या जब हम स्कूल जाते हैं स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं किसी रिलीजियस प्लेस में जाते हैं वहां के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं तो ये रिचुअल्स होते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से उन चीजों को हम सीखते हैं और सीखने के बाद हम उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं हम हमेशा अपने विश के बारे में नहीं सोचते हम अपने बिहेवियर को मॉड्यूलेट करते हैं बिकॉज ईगो जो है वो हमें बता देता है इस चीज को कि सोशल रियलिटीज क्या है ईगो no right में कुछ राइट और रॉन्ग नहीं होता समथिंग इज गुड सिंपली इफ इट अचीव इट्स एंड ऑफ सेटिस्फाइंग विदाउट कॉजिंग हार्म और द इड अब चूंकि ये इड से ही मॉडिफाई हुआ है इड का कंट्रोल्ड फॉर्म है तो कहने का क्या मतलब है कि यहां पर राइट रॉन्ग कुछ नहीं है कोई भी चीज गुड है इसलिए गुड है अगर हमें वो सैटिस्फाई कर अगर हमें उसे करके हमें लगता है कि वो चीज सैटिस्फाइड है प्लस वी हैव डन इट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी ध्यान में रख के उस काम को किया है और तब भी हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है उस चीज से तो कहीं ना कहीं मुझे खुशी मिलेगी मेरा इड भी सेटिस्फाई कुछ हद तक हो जाएगा क्योंकि हमने उसको किसी ना किसी तरीके से पाने की कोशिश की राइट लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ ईगो के भी कुछ फीचर्स हैं ईगो इज वीक रिलेटिवली टू हेड स्ट्रॉन्ग आई डी हेड स्ट्रॉन्ग एड जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया था कि एड बहुत स्ट्रांग है बहुत इंपल्सिव है उसके कंपेरिटिवलीगो वीक है वाई बिकॉज द बेस्ट ऑफ ईगो कैन डू इज स्टे ऑन पॉइंटिंग द एड इज द राइट डायरेक्शन एंड क्लेमिंग सम क्रेडिट एट द एंड एज इफ एच एक्शन वर इट्स ओन कहने का मतलब यह है कि इड डोमिनेंट है इड डोमिनट है तो वो क्या कहता है वो हमें मजबूर करता है कि जो चीज हम पाना चाहते हैं हम उसको पाने की कोशिश करें इड हमें यह कहता है लेकिन ईगो ईगो क्या देखता है दैट वी आर बाय एक्सटर्नल एक्सटर्नल वर्ल्ड वर्ल्ड का भी हमें ध्यान रखना है बट वहां पे एक पॉइंट और क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जिस चीज की डिमांड है जिस चीज का हमें विश है हम उस चीज को अचीव करेंगे जरूर चाहे उसको हम किसी और तरीके से करें मॉडिफाई करके करें बट एट द एंड ऑफ द डे हम इड की ही नीड को सेटिस्फाई करने में लगे होते हैं तो इसीलिए ईगो वीक हो जाता है Ego जो भी करता है वो क्रेडिट लेता है लेकिन बेसिकली वो जो चीज अचीव कर रहा है वो इड के डिमांड से निकल कर रहा है इड के डिजायर से निकल कर रहा है फ्रूड मेड द एनोलॉजी ऑफ द इड एन हॉर्स वाइल राइडिंग ईगो एज अ राइडर अब उन्होंने एक ने ने सिग्नम अपने थ्योरी में एक एनोलॉजी का भी इस्तेमाल किया था कि इड घोड़े की तरह हॉर्स की तरह उसको नहीं पता कहां जाना है लेकिन ईगो क्या है एक राइडर है जो उस इड के ऊपर राइड करता है और वो उसको डायरेक्शन देता है कि किधर जाना है बट याद रखिए चलता भागेगा कौन घोड़ा ही ना तो एट द एंड ऑफ द डे घोड़े की लगाम अगर आपके हाथ में है तब तो घोड़ा आपके डायरेक्शन में भागेगा लेकिन अगर लगाम छूट गई तो घोड़ा आपके डायरेक्शन में कभी नहीं भागेगा एंड दैट इज द रीजन वाई ईगो इज लाइक अ मैन ऑन अ हॉर्स बैक हु हैज द होल्ड इन टू चेक इन सुपीरियर स्ट्रेंथ ऑफ द हॉर्स हॉर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है हॉर्स क्या है हॉर्स इड है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है उसको कंट्रोल करना है तो आपको हमेशा उसको होल्ड करके रखना होगा उसकी लगाम को खींच के रखना पड़ेगा और ये इतना आसान नहीं है इड कई बार हम पे बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है कुछ और फीचर्स के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट फीचर इज दैट इफ द ईगो फेल्स इन इट्स अटेम्प टू यूज द रियालिटी प्रिंसिपल एंड एंग्जाइटी इज एक्सपीरियंस्ड अब अगर ईगो फेल हो जाता है इड कहता है ईगो को मुझे ये चीज पानी है ईगो सोचता है कि चलो मैं इस तरीके से इसको पाने की कोशिश करूंगा लेकिन आप फेल हो जाते हैं तो एंजाइटी होगी स्ट्रेस होगी क्योंकि विश पूरा नहीं हुआ इड इड जो डोमिनेंट है वो तो आपको बार बार मजबूर कर रहा है तो आप क्या करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म पे मैंने पूरा लेक्चर बनाया हुआ है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप देख लेना तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है वो बेसिकली एक तरह से अपने आप को एक समझाने का तरीका होता है कि भाई ये चीज हम अचीव इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इसके ये रीजन थे तो कहीं ना कहीं लेकिन जो अनप्लीजेंट फीलिंग रहती है वो तो रहेगी ही रहे तो हम कहीं ना कहीं डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर लेते द ईगो एंगेजेस इन सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग विच इज रैशनल रियलिस्टिक ओरिएटेड टूवर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अब जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया था दैट इट जो है वो कंप्लीटली इेशनल है अनरियलिस्टिक है इनलॉजिकल है लेकिन यहां पे ईगो क्या है वो सेकेंडरी प्रोसेस है पहले प्राइमरी प्रोसेस इड में हो चुका है अब सेकेंडरी प्रोसेस में आप उसको रैशनल बना देते हैं रियलिस्टिक बना देते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि इड की जो विश है वो पूरी हो जाए ईगो की कुछ विश नहीं है विश तो है इड की इड को पूरा करने के लिए हम कही कहीं ना कहीं

बहुत सारी चीजें मॉरल्स बन जाती हैं हमारे कि ये चीज़ right है और यह चीज तो गलत है और क्या चीज गलत है इसलिए पर्सन टू पर्सन वैरी भी कर जाएगा यह मैं आपको बता दूं इट डेवलप्स अराउंड एज ऑफ थ्री टू फाइव इयर्स तीन से पांच साल के टाइम पे ये एज में डेवलप होना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग दैलिक स्टेज एंड द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट तो उसी टाइम पे ये टू फाइव डेवलपमेंट देखने को मिलती है बच्चों में द सुपर इगो फंक्शन इज टू कंट्रोल द इड इम्पल्स स्पेशली द आर सोसाइटी फॉरवर्ड सच एज सेक्स एंड एग्रेशन अब कहीं ना कहीं आप एक चीज देखें सेक्स इज समथिंग विच इज बेसिक नीड ऑफ लाइफ राइट एग्रेशन भी एक बहुत कॉमन चीज है जो लोगों में आता है एंगर एक कॉमन चीज है जो लोगों को गुस्सा आता है लेकिन हम सबको मारने तो नहीं चले जाते ना वी डोंट हर्ट पीपल एवरीबडी डोंट हर्ट पीपल वाई बिकॉज सुपर ईगो कंट्रोल्स इट सुपर ईगो कहता है ये चीज गलत है ये हमें नहीं करना है तो सुपर ईगो आप पे हावी होता है और उस चीज को कंट्रोल कर लेता तो कहने का मतलब यह है कि ईगो उसको पूरा करने की कोशिश करता है इड के इंपल्स को लेकिन एट द सेम टाइम सुपर ईगो आपको मॉरल वैल्यूज याद दिलाता है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है इस इड को छोड़ दो ये मॉरली करेक्ट नहीं है ये आपको ऐसा सुपर इगो से मिलता है राइट इट हैज ऑल्स द फंक्शन ऑफ द परसोइिंग टू टर्न द गोल्स रादर देन सिंपली रियलिस्टिक वंस एंड स्ट्राइव फॉर परफेक्शन अब आप क्या करते हैं इट जो है देखिए अभी भी हार नहीं मानता इट क्यों नहीं हार मानता इट कहता है पहले ईगो से पूरा करो उस चीज को अगर ईगो उसको रियलिस्टिक पूरा नहीं कर पा रहा तो आप सुपर ईगो में उसको मॉरली फिट करने की कोशिश कर हम जो कर रहे हैं वो मॉरली करें आप उसको प्रूव करने में लग जाते हैं क्योंकि सुपर ईगो आपको वो गिल्ट की फीलिंग दे रहा होता है अंदर से कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है तो आप उसको जस्टिफाई कर देते हैं कि यार हम जो कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं बिकॉज हम मॉरली करेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो ये चीज हमें समझनी है ये डिफरेंस है इट ईगो और सुपर ईगो का अब इसमें थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं सुपर इगो कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टम्स अब यहां पे दो सिस्टम्स होते हैं वन इज द कॉन्शियंस एंड अदर इज द आइडियल सेल्फ अब दोनों के बारे में बात करते हैं कॉन्सियस क्या है कॉन्सियस कैन पनिश द ईगो थ्रू कॉजिंग फीलिंग्स ऑफ गिल्ट मैंने आपको जस्ट बताया कॉन्शियंस क्या होता है कि जब कोई ऐसा काम हम कर रहे हैं जो हमारे ईगो ने उसको रियलिस्टिकली प्रूव कर दिया था कि यह चीज सही है करो लेकिन बाद में आपको क्या होगा उसकी गिल्ट होने लग जाएगा या जब आप उस काम को कर रहे होगे तब आपको उसको गिल्ट होने लग जाएगा क्योंकि वो मॉरली करेक्ट आपको नहीं लग रहा सुपर ईगो आपको यही बात बताएगा ये आपका कॉन्शियस है ऑन द अदर साइड फॉर एग्जाम्पल इफ द ईगो इन टू द डिमांड द द सुपर ईगो मे मेक पर्सन फील बैड थ्रू गिल्ट जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर इड ने पुश किया कि मुझे ये चीज पूरी करनी है और ईगो उसको सेटिस्फाई करने निकल भी पड़ा क्योंकि वही उसका काम है लेकिन सुपर ईगो क्या करेगा उसको कंट्रोल कर लेगा वो कहेगा ये मत कर भाई ये मॉरली करेक्ट नहीं है द आइडियल सेल्फ और द आइडिक अब आइडियल सेल्फ के बारे में बात करते हैं इट्स एन इमेजिनरी पिक्चर ऑफ हाउ यू ऑट टू बी एंड रिप्रेजेंट योर कैरियर एस्पिरेशन हाउ टू ट्रीट अदर पीपल एंड हाउ टू बिहेव इन द मेंबर ऑफ सोसाइटी अब एक आइडियल सेल्फ भी है आपका आइडियल सेल्फ मतलब कि आप अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हैं हम जैसे कई बार क्या होता है हम वैसे होते नहीं है लेकिन हम लोगों को वैसा दिखाते हैं कि हम बहुत ही ऐसे हैं भाई हम बहुत सिंसियर हैं हम बहुत ही पंक्चुअल हैं हो सकता है अंदर से ऐसे ना हो लेकिन वो हमारा आइडियल सेल्फ है जो हम लोगों के सामने रखते हैं वो हमारे कैरियर एस्पिरेशन से जुड़े हुआ हो सकता है कैसे हम लोगों से बात करते हैं कैसे बिहेव करते हैं कैसे हम लोग सोसाइटी के बीच में उठते बैठते हैं वो सब चीजों से लिंक हो सकता है राइट सुपर ईगो जो है वो इन चीजों से लिंक्ड है सुपर के बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे बिहेवियर विच फॉल्स शॉर्ट्स ऑफ द आइडियल सेल्फ मे बी पनिश्ड बाय द सुपर इगो थ्रू गिल्ट अगर आप आइडियल सेल्फ में भी फेल हो रहे होंगे तो वहां भी सुपर इगो आपको गिल्ट की फीलिंग देने में प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि वो भी आइडियल सेल्फ भी तो आपने खुद ही क्रिएट किया है ना आपने कहा हम ऐसा बनना चाहते हैं अगर आप वैसा काम अब नहीं करोगे तो क्या होगा आपको गिल्ट की फीलिंग आएगी द सुपर इगो कैन ऑल्सो रिवॉर्ड अस थ्रू द आइडियल सेल्फ वेन वी बिहेव प्रॉपरली बाय मेकिंग अस फील प्राउड जब आप किसी चीज को वैसे ही कर लेते हैं जैसा आपके आइडियल सेल्फ का पार्ट रहा है तो क्या होता है आप अपने आप को प्राउड फीलिंग देते हैं अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं और वो चीज कहां से निकल कर आता है वही आपके सुपर ईगो से निकल कर आता है तो सुपर ईगो सिर्फ गिल्ट नहीं देता सुपर ईगो हमें प्राउड फीलिंग भी दे सकता है अगर हम वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा सुपर ईगो ने आपको बताया हुआ है ठीक है इफ अ पर्सन आइडियल सेल्फ इज टू हाई अ स्टैंडर्ड देन देवर द पर्सन डज विल रिप्रेजेंट फेलियर अब कई बार क्या होता है कुछ लोग अपने स्टैंडर्ड्स ही बहुत हाई कर लेते हैं उनकी कैपेसिटी से ज्यादा उन्होंने अपने स्टैंडर्ड हाई कर लिए हैं

बचपन में शुरू हो जाता है हमारे पेरेंटिंग में देखने को मिलता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें किस तरह के वैल्यू सिस्टम्स पास डाउन किए दिस वाज ऑल अबाउट सुपर ईगो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा अब एग्जांपल देखें इड क्या है इड कहता है आई वांट टू दिस चॉकलेट एक चॉकलेट मैंने देखी और मेरे को वो चॉकलेट खानी है मुझे वो चॉकलेट अच्छी लगती है किसी भी तरह से वो चॉकलेट मुझे लाके दो इड कहता है चोरी करो लेकिन मेरी विश पूरी करो लेकिन ईगो क्या कहता है ईगो कहता है यार थोड़ा सा खा लो ज्यादा मत खाओ अगर तुम्हारे पास वो चॉकलेट है भी थोड़ा खालो, थोड़ा खाने में कोई नहीं है, है वो, है? लेकिन सुपर ईगो क्या कह रहा होता है? कि गलत कर रहे हो भाई, diet, तुम तो कर रहे थे ना? तो फिर खा रहे हो? क्योंकि जैसे ही तुम खाओगे सुपर ईगो तुम पर हावी हो जाएगा और कहेगा तुमने गलत किया है यू आर इन गिल्ट यू आर फेलियर ये सारी फीलिंग आएंगे और अगर तुमने नहीं खाया तो तुम्हें प्राउड फीलिंग दे देगा सुपर ईगो लेकिन इड को तो बहुत चोट पहुंचेगी अब आपको यह देखना है कि इड की सुनोगे ये सुपर ईगो ठीक है लेट्स द नटशेल एक में बस आपको मैं पिक्चर रख देता हूं आपके सामने ये देखिए नटशेल इड इड क्या है कंप्लीटली योर इंस्टिंग आपकी इंपल्सिवनेस ईगो क्या है एक वर्ड में रियालिटी रियल वर्ल्ड में हम क्या कर सकते हैं हर चीज को हम पा नहीं सकते तो रियलिटी में जो हम पा सकते हैं हम उसकी बात करते हैं और सुपर ईगो क्या है एक तरह का मोरालिटी है भाई मॉरल्स है कि ये चीज करो या ना करो तो आई होप कि आपको ये पूरी थ्योरी समझ में आ गई हो। इस थ्योरी के भी कुछ लिमिटेशन थी जैसे इसमें सिर्फ आ, इन तीन कंपोनेंट्स के बारे में ही बात की गई है और कोई फैक्टर कंसिडर नहीं किया गया है जबकि हमें पता है कि पर्सनालिटी को शेप डाउन करने में एक्सटर्नल वर्ल्ड का बहुत रोल होता है तो काफी सारे पॉइंट्स हैं इसके ऊपर भी बट आई होप की वीडियो ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो गया आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इड ईगो सुपर ईगो क्या होता है थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक माई लेक्चर्स डू सब्सक्राइब टू माई चैनल डू लाइक एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो आप वहां पर मेरे सारे रिसोर्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं ये भी मैं वहीं पर अपलोड कर दूंगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी बाय